आज हम लोग GTA 5 के अंदर कुछ सीक्रेट मिलिट्री व्हीकल्स को चोरी करने वाले हैं और इन व्हीकल्स को चोरी करने के बदले में सिमियन हमें पूरे के पूरे 10 मिलियन डॉलर्स देगा। तो भाई जो हमारी पहली मिलिट्री कार है वो इस सामने वाले लॉस सैंटोस के हेडक्वार्टर में है और भाई तुम लोग देख सकते हो कि इस हेडक्वार्टर के अंदर जाने के लिए कितनी भयानक सिक्योरिटी है। और भाई ये देखो यार, सामने की तरफ तो एक पुलिस वाला है जो कि चाय पी रहा है। तो भाई हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से इसे बेहोश कर देते हैं। तो भाई हमने उस पुलिस वाले के कपड़े को पहन लिया है ताकि हम लोग भी एक एक्चुअल पुलिस वाला लगे और फिर उसके बाद हम लोग इस लॉस सैंटोस के हेडक्वार्टर में बहुत ही आसानी से जा सकें और कोई भी हम पे शंका न करे। और भाई तुम लोग देख सकते हो यार, इस हेडक्वार्टर के गेट पे कितनी ज्यादा सिक्योरिटी है। हेलो सर, मैं जो है एक पुलिस वाला हूँ, तो मैं अंदर की इंस्पेक्शन करने जा रहा। तो चलो भाई, उसने हमें एंट्री दे दी है और उसने हमें कुछ रोका भी नहीं। तो भाई अगर हम लोग बिना पुलिस के कपड़े में आए होते तो भाई ये सब तो हमें गोलियों से भून देते यार। तो चलो कोई नहीं, हम लोग आराम से अंदर आ चुके हैं, अब बस हमें उस मिलिट्री कार को ढूंढना है। तो यहाँ पे तो सब मामूली सी कार्स हैं और ये भी एक मामूली सी टैंक है। और ये देखो, यस, हमने अपनी पहली मिलिट्री टैंक को ले लिया है। और भाई ये देखो, यही है अपनी पहली सीक्रेट मिलिट्री टैंक। और तुम लोग इसका लुक भी देख सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, आराम से इस मिलिट्री टैंक के अंदर बैठते हैं। ओके, तो हम लोग इसके अंदर बैठ चुके हैं। तो चलो भाई इसे आराम से निकाला जाए। और भाई ये क्या यार, किसी को भी हम पे शंका नहीं हो रहा, सभी को लग रहा है कि हम लोग एक पुलिस वाले हैं और इस टैंक को कहीं पे शिफ्ट कर रहे होंगे। तो चलो भाई कोई नहीं, जल्दी से इसे यहाँ से ले चलते हैं। और भाई एक सेकेंड यार, यहाँ पे इस वाले बटन से क्या होता है? ओ भाई यार, उससे तो फायर हो रहा है। ओ भाई ये तो बहुत दिक्कत हो गया यार, सब लोग हमारे ऊपर शूट करने लगा है। अरे यार ये क्या कर दिया मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस टैंक को देखा जाए कैसे चलाते हैं, पर भाई सब लोग हमारे ऊपर फायर करने लगा है। चलो कोई नहीं, ये वाली जो टैंक है ये पूरी बुलेट प्रूफ है। आराम से हम लोग यहाँ से निकालते हैं। भाई ये तो गलत सीन हो गया यार। ये लो सिमियन, तुम्हारे लिए पहली मिलिट्री टैंक। और सिमियन तुम्हें अंदाजा भी नहीं है हमने कितने बड़े रिस्क का सामना किया है इस मिलिट्री टैंक को चोरी करने के लिए। तो चलो भाई चलते हैं अपनी दूसरी टैंक लेने। तो भाई हमारी अगली मिलिट्री कार इस सामने वाली मिलिट्री बेस में है और भाई तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि भाई इस मिलिट्री बेस में कितनी भयानक सिक्योरिटी है। और भाई ये देखो यार, भाई यही है अपनी वो मिलिट्री कार जिसे चोरी करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ से कुछ बंदों को मार लेते हैं ताकि इनका थोड़ा सा ध्यान भटक जाए। तो भाई यहाँ पे हमने एक मार दिया है। ओके हम लोग इधर की तरफ भी कुछ बंदों को मार देते हैं। ओके यहाँ पे भी दो है और इधर भी दो है। और भाई तुम लोग देख सकते हो कि ये सब बंदे कंफ्यूज हो चुके हैं। तो भाई मेरे ख्याल से अब सही समय रहेगा हमें इस बेस के अंदर घुसने के लिए। तो भाई तुम लोग देख सकते हो सारे के सारे बंदे हमारे ऊपर गोली चलाने लगे हैं। अरे रुक जा भाई, बस तुम लोग कार को मत डिस्ट्रॉय करना। ओ भाई हम लोग जल्दी से बस कार में बैठते हैं। भाई मेरी गोलियाँ ख़त्म हो रही हैं, हम लोग जल्दी से कार में बैठ चुके हैं। भाई यहाँ पे बहुत बंदे आते जा रहे हैं। ओके हम लोग बस जल्दी से कार को निकालते हैं, गेट खुल जाए। यस यस यार, हमने इस वाली कार को भी चोरी कर लिया। तो चलो भाई हम लोग इस कार को इन लोगों के बेस से काफी दूर ले चल जाते हैं। ये लो सिमियन, हमने तुम्हारे लिए दूसरी कार भी ला दी है। और भाई ये क्या यार, सिमियन इस टैंक पे चढ़ के कैसा पुशअप कर रहा है। भाई सिमियन तुम तो जमीन पे भी पुशअप कर सकते थे ना। चलो भाई कोई नहीं, सिमियन के अपने अलग ही मजे हैं। हम लोग चलते हैं अपनी अगली गाड़ी लेने। भाई तुमने आज तक अपनी लाइफ में एक मिलिट्री बेस को पानी के ऊपर बने हुए देखा है? अगर भाई नहीं देखा तो तुम लोग देख सकते हो कि भाई ये पूरा का पूरा मिलिट्री बेस पानी के ऊपर बना है। और भाई जो हमारी अगली सीक्रेट मिलिट्री कार है वो इसी मिलिट्री बेस के अंदर है। तो चलो हम लोग जल्दी से इसके अंदर चलते हैं। अरे यार ये गिर गया। भाई हम लोग इस मिलिट्री बेस के अंदर आ चुके हैं और भाई ये देखो यार, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं लेकिन किसी को भी हमारे ऊपर शंका नहीं हो रहा। अरे यार अचानक से ये सब सूट क्यों करने लगे हमारे ऊपर?
ओ भाई हम लोग इन दोनों को मार चुके हैं, इसका मतलब भाई यहाँ पे कार है। और ये देखो भाई, ये रही अपनी कार। और भाई यहाँ पे तो अलार्म भी बजने लगा है, जिसकी वजह से सारे के सारे बंदे हमारे ऊपर फायर कर रहे हैं। और भाई कहाँ कहाँ से फायरिंग हो रही यार, हम लोग जल्दी से इसके अंदर बैठते हैं। चलो भाई, तो हम लोग इस कार के अंदर बैठ चुके हैं। और भाई ये तो एक मॉन्स्टर मैक्वीन कार है यार। भाई ये कार देखने में कितना ज़्यादा ऑसम लग रही है, लेकिन भाई हम लोग इस कार को इस बेस से निकालेंगे कैसे? भाई यहाँ पे तो कोई रास्ता ही नहीं है, और एक तो सारे पुलिस वाले हमारे पीछे आते जा रहे हैं। चलो हम लोग यहाँ से इसे कूदाते हैं। अरे यार अबे भाई ये क्या हुआ भाई साहब? यार ये वाली कार तो पानी पे भी चल सकती है। ओ भाई यार, हमारी तो पूरी लॉटरी ही लग चुकी है, क्योंकि भाई हमने कितनी शानदार मिलिट्री कार चोरी की है जो कि पानी पे भी चल सकती है। तो चलो भाई हम लोग जल्दी से इस कार को भी अपने घर ले चलते हैं। ये लो सिमियन, हमने तुम्हारे लिए तीसरी कार भी ला दी है। और भाई ये क्या यार, सिमियन तो मेडिटेशन कर रहा है। भाई मैंने पहली बार उसे मेडिटेशन करते हुए देखा है। तो चलो भाई एकदम चुप रहते हैं हम लोग, उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और चलते हैं अपनी अगली कार लेने। तो भाई हमारे लॉस सैंटोस के जो प्रेसिडेंट हैं वो इस सामने वाली जगह पे आए हुए हैं स्पीच देने। और भाई तुम लोग जो इतनी सिक्योरिटी देख रहे हो, ये उन्हीं के लिए है। तो भाई मेरे ख्याल से कि यहाँ सामने से जाने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि भाई इतने सारे पुलिस वाले हैं, ये सब हमें भू नहीं देंगे। तो हमें कोई और रास्ता खोजना होगा। भाई हम लोग आगे से नहीं जा सकते, लेकिन भाई हम लोग इनके पीठ पीछे तो जा ही सकते हैं। भाई हम लोग क्या करते हैं, ये सब जो झाड़ी है, हम लोग इन झाड़ियों में छिपते हुए आगे चलते हैं। ओके, हम लोग इस झाड़ी में छिपते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग धीरे से अपनी बाइक को यहाँ पे उतारते हैं। और ओ भाई सामने की तरफ तो कुछ पुलिस वाले हैं। अरे फ्रैंकलिन छुप जा। तो भाई अभी हम लोग इस बिल्डिंग के एकदम बैक साइड में आ चुके हैं, लेकिन भाई दिक्कत ये है कि जो वो सीक्रेट टैंक है, हम लोग उसको खोजेंगे कैसे भाई, क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत बड़ा है। तो भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि हम लोग इस फायर ब्रिगेड के ऊपर चढ़ जाते हैं, ताकि हम लोग ऊंचाई से सब चीज़ों को देख सकें। तो इस पार्किंग में तो वो टैंक नहीं खड़ी है, कहीं ये टैंक सामने की तरफ नहीं? ओ भाई वो देखो यार, भाई वो वाइट कलर की टैंक जो तुम्हें दिखाई दे रही है, वही है हमारी सीक्रेट टैंक। तो चलो हम लोग यहाँ से जंप करते हैं। और भाई ये वाला जो एरिया है वो पूरा रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो हमें बहुत संभल के चलना होगा। रुको भाई मैं अपना चाकू निकाल लेता हूँ। ओके, आराम से हम लोग बहुत छुप के आगे चल रहे हैं। तो पीछे की तरफ हमें कोई नहीं देख रहा, हम लोग जल्दी से इसे चाकू मारते हैं, और इसे भी चाकू मारते हैं। तो चलो भाई जल्दी से फ्रैंकलिन जल्दी से इस टैंक के अंदर बैठ। और यस, ये पूरा टैंक बुलेट प्रूफ है, और अब कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और भाई ये क्या यार, इसमें तो मिसाइल गन है। अब लो बेटा, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो चलो हम लोग जल्दी से इस टैंक को यहाँ से निकालते हैं। और भाई उन्हें गोली चलाने दो, उन्हें मजे में गोली चलाने दो, अब उनको कुछ दिक्कत नहीं है। ये लो सिमियन, हमने तुम्हारे लिए प्रेसिडेंट की टैंक को भी चोरी किया है। और भाई ये क्या यार, सिमियन इस टैंक में ड्रिलिंग क्यों कर रहा है? चलो कोई नहीं भाई, हम लोग चलते हैं अपनी अगली टैंक लेने। तो भाई हमारी अगली मिलिट्री कार सामने वाले मिलिट्री बेस में है। और भाई तुम लोग देख सकते हो कि ये वाला मिलिट्री बेस इतना ज़्यादा सीक्रेट है कि इन्होंने पूरा का पूरा बेस सिर्फ एक केव के अंदर बना दिया है। तो चलो भाई, मैंने इसीलिए फॉर्मल पहना है ताकि इन लोगों को ऐसा लगे कि हम लोग इस जगह के मालिक हैं, ताकि कोई हमें रोके ना। तो चलो हम लोग कार को ढूंढते हैं। और भाई ढूंढने की क्या जरूरत है, कार तो हमारे सामने है। भाई ये लोग क्या पागल हैं, कोई भी ऐसी कार को चोरी कर लेगा। तो चलो हम लोग छुपके से इसे ले चलते हैं। और ये क्या यार, अरे सेट यार, क्या यार, फ्रैंकलिन तो बैठ ही नहीं रहा है, इसका मतलब भाई ये कार लॉक है। भाई ये लोग इतना भी पागल नहीं है, इन्होंने जो है इसकी चाबी को अंदर रखा होगा। तो भाई इसका मतलब हमें इस बेस के अंदर जाना ही पड़ेगा मजबूरन में। तो भाई हम लोग बहुत ही आसानी से इस बेस के अंदर घुस चुके हैं। और भाई यार आखिर इस बेस के अंदर चल क्या रहा है, भाई यहाँ पे कितने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब रखे हुए हैं। चलो भाई हम लोग इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं, और ध्यान देते हैं कि भाई वो चाबी आखिर है कहाँ।
तो यहाँ पे चाबी नहीं है भाई, चाबी कहीं भी हो सकती है। हम लोग एकदम चौकन्ना रहते हैं, तो इधर के तरफ नहीं है चाबी। और यस यस हमें चाबी मिल गई भाई, ये देखो यही है अपनी चाबी। तो भाई मैंने इस चाबी को ले लिया है। ओके तो चलो जल्दी से निकलते हैं। और गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। चलो भाई कोई हमारे ऊपर शंका नहीं कर रहा है। चल 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 फ्रैंकलिन भाग यहाँ से, भाग भाग भाग। चलो भाई हम लोग यहाँ से जंप करते हैं। और भाई वो देखो सामने की तरफ ही हमारी कार है, हमें बस जल्दी से उसमें जाके बैठना है। और भाई ये देखो यार, हमने बिल्कुल सही चाबी ली थी। और भाई ये देखो हमारी कार अनलॉक हो चुकी है। अब हम लोग जल्दी से इस कार को छुपके से ले चलते हैं। भाई कोई हमारे ऊपर गौर ही नहीं कर रहा यार। और भाई ये क्या यार, इस कार में तो बूस्ट भी है। और भाई मुझे इस कार की लुक काफी ज्यादा पसंद आई। तो चलो भाई हम लोग जल्दी से इस कार को भी अपने घर ले चलते हैं। येलो सिमियन, तुम अपनी कलेक्शन में एक और ओपी कार को ऐड कर लो। तो चलो भाई हम लोग इस कार को यहाँ पे पार्क करते हैं। और भाई हमारे यहाँ तो पार्किंग की ही कमी हो रही है यार। चलो हम लोग जल्दी से चलते हैं अपनी अगली कार लेने। तो भाई हमारी जो अगली मिलिट्री की सीक्रेट कार है वो इस सामने वाली एयरपोर्ट पे है। और भाई तुम्हें ये जान के बहुत अजीब लगेगा कि भाई ये जो पूरा का पूरा एयरपोर्ट है ये हवा में बना हुआ है। तो चलो भाई हम लोग जल्दी से इस हेलीकॉप्टर को इसके ऊपर ले चलते हैं और जल्दी से यहाँ से जंप करते हैं। और भाई जो वो मिलिट्री की कार है वो कहीं भी हो सकती है, तो हमें बहुत संभल के रहना होगा। और भाई ये क्या यार, यहाँ पे तो कुछ खास सिक्योरिटी भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लैंड करते हैं। और भाई ये क्या यार, फ्रैंकलिन तो बहुत बुरी तरह गिर चुका है। लेकिन भाई ये देखो यार, भाई यही है अपनी मिलिट्री की सीक्रेट कार। और भाई यहाँ पे तो सिक्योरिटी भी नहीं है यार। भाई ये हमारे लिए बहुत मस्त चीज है, तो चलो हम लोग जल्दी से इसमें बैठते हैं। ओ सिट मैन, तुम लोग इसका लुक देखो यार। भाई ये जो ऑरेंज लुक है और ऊपर से इसके ऊपर जो ब्लैक कलर का लाइवरी चढ़ा हुआ है वो बहुत मस्त दिखा रहा है इस टैंक को। तो चलो हम लोग इसे लेके यहाँ से निकलते हैं। और भाई ये क्या यार, यहाँ पे तो बूस्टर है, क्या हम लोग इस बूस्टर से इसे जंप कराएं? चलो अच्छा इसे यहाँ से जंप कराते हैं। और अरे यार हम लोग कितने ऊंचाई से इसको जंप करा दिए हैं। आराम से हमें बहुत सही इसकी लैंडिंग करनी होगी। ये लो सिमियन, एक और शानदार टैंक तुम्हारी कलेक्शन में। लेकिन भाई हम लोग इसे पार्क कहाँ करें? अरे सिमियन माफ करना, मेरे गलती से तुम्हें मार दिया। चलो भाई तो हम लोग इसे यहाँ पे रखते हैं। और भाई यार मैंने सिमियन को गजब मारा। तो चलो भाई चलते हैं अपनी अगली टैंक लेने। तो भाई हमारी आखिरी मिलिट्री टैंक इस बिल्डिंग के सामने पे है। लेकिन भाई यार यहाँ पे इस टैंक को ऐसे खोला किसने, छोड़ दिया? लेकिन भाई हमें क्या दिक्कत है जब हमें इतनी आसानी से एक टैंक मिल रही। तो चलो इसे आराम से यहाँ से ले चलते हैं जल्दी से। चलो फ्रैंकलिन बैठ जाओ इसमें। और ये क्या यार, जिस चीज का मुझे डर था वही हुआ। भाई ये वाली टैंक भी बंद है, मतलब लॉक है, तो हमें इसकी चाबी को ढूंढना होगा। और भाई मुझे जहाँ तक लगता है कि इसका ओनर भी इसके आसपास ही होगा। तो भाई हमें लग रहा है सबको बारी बारी मार के उनसे चाबी को लेना होगा। तो हम लोग इससे शुरुआत करते हैं। तो हमने इसे मार दिया, लेकिन भाई इसके पास चाबी नहीं है। और ये कहाँ जा रहा, हमें इससे पता करना होगा। चलो हम लोग इससे चाबी का पता करते हैं। और भाई ये क्या यार, इसके पास भी चाबी नहीं है। और भाई ये देखो यार, सामने की तरफ ये जो औरत है ये हमें देख के भाग रही है। हो सकता है इसके पास चाबी हो, हमने मार दिया है इसे। और भाई ये देखो यार, हमें चाबी मिल चुकी है। चलो 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 हम लोग जल्दी से इस टैंक में बैठते हैं। ओ भाई यार, ये वाली टैंक हमारी बहुत आसानी से अनलॉक हो चुकी है। और भाई इसे चोरी करना तो बहुत ज्यादा आसान था। तो चलो हम लोग जल्दी से इस वाली टैंक को भी अपने घर पे ले चलते हैं। ये देखो सिमियन, हमने तुम्हारे लिए आखिरी टैंक को भी चोरी करके ला दिया है। और भाई ये क्या यार, सिमियन तो खुशी के मारे डांस करने लगा है। और भाई ये देखो यार, सिमियन ने हमें इन टैंक्स को चोरी करने के बदले में
$10 million भी दे दिए हैं। और भाई तुम्हें इन सारी की सारी टैंक्स में से कौन सी टैंक सबसे ज़्यादा मस्त लगी प्लीज कमेंट में ज़रूर बताना। अगर भाई तुम मुझसे पूछो तो भाई मेरी तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा ये वाली टैंक है भाई, इसका लुक कितना ज़्यादा मस्त है यार। लेकिन तुम्हारी इनमें से कौन सी टैंक फेवरेट है प्लीज कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो भाई आज के वीडियो के लिए इतना ही था, मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय एंड जय हिंद।